चुनावी मौसम में पाला बदलने का खेल खूब चल रहा है। कांग्रेस का भरोसेमंद चेहरा रहे केरल के नेता टॉम वडक्कर पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दो तस्वीरें आपको देखिए, एक तरफ टीएमसी के नेता, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से नाता तोड़कर टॉम वडक्कर, जो कि बहुत बड़ा नाम रहा है, और वो बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक अर्जुन सिंह को भी बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया। अब क्या गिरे बड़ा मुश्किल है। जहां देश दूसरे देश के आक्रमण से हमारे 40-42 जिससे ऊपर जवान एक साथ मारे गए, उनका बॉडी तक नहीं मिला, उनके परिवार के लोग, और उस इशू पर हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी की जो नेत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि पूरा देश हिल गया। जवाब प्रश्न पूछा गया कि जो लोग मरे हैं उसका बॉडी कहाँ। ऐसा बयान से मैं इतना दुखित हुआ कि मैं किस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जिसके लिए देश हित सर्वोपरि नहीं है, उसके लिए है उसका अपना वोटर, कैसे हम अपना वोट सुरक्षित रखें। इस स्थिति में उस पार्टी के साथ काम करना बहुत ही कष्टदायक था। आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मेरे शब्दों में मैं क्या रखा है, पूरा हिंदुस्तान जवाब दे रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और टेलीविजन माध्यम से आप समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस शुभ घड़ी पर मैं कुछ ऐसा ना कहूं जो एक प्रोटोकॉल में एक्सेप्टेबल ना हो। देखिए, इतने साल से मैं आया हूं, मैं कुछ बोलूं सही नहीं है, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में जो जानते नहीं है कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है और कहां जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।